On Academy. Welcome guys on India's largest learning platform which is known as Unacademy. Unacademy app को download करना मत भूलना guys. यहाँ पर मेरे polity और geography के lectures होते हैं. Don't forget to download Unacademy. I am none other than Amit Kataria. मेरा time है YouTube पर आने का 5:15 पर. Unacademy _ Amit Kataria is name of my Telegram channel. You can follow me here guys. मुझे यहाँ पर फॉलो करने से आपको मेरे लेक्चर्स का पीडीएफ मिल जाएगा. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू जो है मेरा जो लेक्चर है उसका टाइमिंग यानी कि स्केड्यूल आपको मिल जाएगा. अप टू डेट रह पाएंगे आप मेरे लेक्चर के टाइमिंग के साथ. और अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर कर दिया जाएगा. टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है मेरा टेलीग्राम चैनल. और मैं ये भी बता दूं कि इतने सारे बढ़िया फैकल्टीज जो है आप कहीं और नहीं पाओगे एक्सेप्ट अनअकैडमी. पूरे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी एज फार एज यूपीएससी प्रिपरेशन इज कंसर्न. ये सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे. दैट इज पर्सनल प्रॉमिस. मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 49,500 रुपीज जो है 49,500 रुपीज ये एक साल का प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन फी है. By using Amit के कोड यू गेट 10% डिस्काउंट. और मेरा कोड का इस्तेमाल करने से डेफिनेटली आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस. और मैं ये भी बता देता हूं कि 69,500 आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फीस है और ये फीस अभी बढ़ने वाला है. तो बिफोर फी राइजेस यू शुड सब्सक्राइब. अमित के कोड का इस्तेमाल करें 10% फ्लैट डिस्काउंट पाए. और मैं ये भी बता देता हूं कि ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी अब अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी. अमित के कोड यहां पर भी वर्क करेगा. यू विल गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट. और मैं ये भी आपको बता देता हूं गाइस कि सिर्फ 6 महीने बचे हैं 2021 यूपीएससी पीटी को. ठीक है. और 28 दिसंबर से जो है वो बैच शुरू हो चुका है जहां पर पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा बाय नन अदर देन टॉप एजुकेटर्स.
प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस हो जाएगा, पीडीएफ में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होगी। और 6 महीने का कोर्स अवेलेबल है 2021 के लिए, 1 साल का कोर्स 2022 के लिए, एंड 2 ईयर बैच कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर 2023 प्रिपरेशन, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट इन हिंदी एज वेल। और मैं बता चुका हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फीस बढ़ने वाला है, सो प्लीज। अब इंडियन आर्किटेक्चर हम देखने वाले हैं, इंडियन आर्किटेक्चर वी आर गोइंग टू सी, आई होप यू आर रेडी फॉर इट। तो हम पहले एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर को देखेंगे, स्कल्पचर को देखेंगे, पोट्री को देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री, वी आर गोइंग टू सी दैट फर्स्ट। ओके गाइस, उसमें पहले हरप्पन आर्ट को देखेंगे, फिर मौर्य आर्ट को हम जो है आज नहीं देखने वाले। हरप्पन के बाद वी आर गोइंग टू सी सीधा पोस्ट मौर्यन, उसके बाद गुप्त, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जो है तीन आर्ट फॉर्म यहां पर देखने वाले, तीन एज के आर्ट फॉर्म हम यहां पर देखने वाले हैं, दैट इज आईवीसी यानी हरप्पन आर्ट, पोस्ट मौर्यन एंड गुप्त एज। ठीक है, सो बी प्रिपेयर, अब हम हरप्पन आर्ट को शुरू करेंगे 1 मिनट के अंदर। Now let us start our lecture. Sorry for little disturbances. Okay, so Harappan art and architecture. A flourishing civilization emerged on the banks of river Indus. Kis river ke kinare? Indus. In the second half of the 3rd millennium BC, yani ki aaj se 2500 saal pehle ki ye baat hai. And spread across the large part of northwestern and western India. ठीक है, northwestern and western India. तकरीबन जो इसका north south boundary था वो 1400 किलोमीटर long था, और इसका जो west to east boundary था वो 1600 किलोमीटर long था, याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो इसका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट था, जो इसका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट था उसको हम मांड बुलाते थे, जो यहां पर वेस्टर्न पॉइंट था उसका नाम था सुक्ता गेंडोर, जो ईस्टर्न पॉइंट था उसका नाम था अलमागीरपुर, और जो सबसे सदर्न पॉइंट था उसका नाम था दियामाबाद। तो ठीक है, ये वेस्टर्न है पॉइंट, ये ईस्टर्न है अलमागीरपुर पॉइंट, और मांड नॉर्दर्न पॉइंट है, दियामाबाद इज सदर्न पॉइंट। तो ये याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो मांड है, जो वेस्टर्न पॉइंट है वो सुक्ता गेंडोर है, जो ईस्टर्न पॉइंट है वो अलमागीरपुर है, जो सदर्न पॉइंट है वो दियामाबाद है। ये भी बता देते हैं साथ ही में बच्चों कि ये जो नॉर्थ टू साउथ इसका लेंथ था वो 1400 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट जो इसका लेंथ था वो 1600 किलोमीटर, तकरीबन 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ सिविलाइजेशन था, तकरीबन 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ सिविलाइजेशन ये था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पा और मोहनजोदड़ो दो मेजर साइट्स थे इस सिविलाइजेशन के, और अर्लीस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ अर्बन सिविक प्लानिंग के एग्जांपल भी हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो ही है।
The planned network of roads, houses, drainage systems indicate the planning and engineering skills that developed during those times. तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सिटाडेल, देखो अब मैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको पहले बताने वाला हूँ। कॉमन फैक्टर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मैं आपको पहले बताने वाला हूँ, याद रखिएगा गाइस। कॉमन फैक्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो वेस्ट साइड था उसमें सिटाडेल था। हर हड़प्पन सिटी में वेस्ट साइड पर एक सिटाडेल होता है और ईस्ट साइड पर एक लोअर सिटी होता है। सिटाडेल जो है उस पर दो तरह के आपको बिल्डिंग्स मिल जाएंगे। एक है पब्लिक बिल्डिंग्स, यू विल गेट पब्लिक बिल्डिंग्स हियर, और आपको जो दूसरा मिल जाएगा हरप्पन सिविलाइजेशन में वेस्टर्न साइड पर सिटाडेल में, वो आपको मिल जाएगा रूलर्स हाउस, जो शासक लोग थे उनका मकान यहाँ पर होता था सिटाडेल के ऊपर, और लोअर सिटी पर मेरे और आपके जैसे आम लोग रहते थे। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि हरप्पा और मोहनजोदड़ो को देखने से आपको लगेगा कि बहुत ही रिमार्केबल टाउन प्लानिंग इन्होंने किया है। जो टाउन थे वो रेक्टेंगुलर ग्रीड पैटर्न में होते थे। जी हाँ, रेक्टेंगुलर ग्रीड पैटर्न में टाउन होते थे। रोड्स जो थे वो नॉर्थ से साउथ की ओर भागते थे और ईस्ट से वेस्ट की ओर भागते थे। जी हाँ, ये याद रखिएगा, रोड्स नॉर्थ से साउथ की ओर और ईस्ट से वेस्ट की ओर रोड जो थे वो भागते थे और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते थे। जी हाँ, 90 डिग्री का एंगल बनाते थे रोड्स, और बड़े बड़े रोड जो थे वो पूरे सिटी को ग्रीड पैटर्न में जो है वो दर्शाते थे। तीन तरह का बिल्डिंग था, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हैव बीन फाउंड इन एक्सकावेशन साइट्स, ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ्स। ये याद रखना, ठीक है। अब हरप्पन लोग जो थे वो स्टैंडर्डाइज डायमेंशन का बर्नट ब्रिक इस्तेमाल करते थे फॉर बिल्डिंग पर्पस, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बर्नट ब्रिक। इतनी बड़ी मात्रा में बर्नट ब्रिक का इस्तेमाल किसी भी समकालीन सिविलाइजेशन ने नहीं किया जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया। मेनी लेयर्स ऑफ वेल बेक्ड ब्रिक वर लेड आउट एंड देन जॉइंट टुगेदर यूजिंग जिप्सम मोर्टार। तो मोर्टार के तौर पर जिप्सम का इस्तेमाल करते थे। द सिटी वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट, एन अपरेज सिटाडेल इन द वेस्टर्न साइड एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी इन ईस्टर्न साइड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एन अपरेज सिटाडेल इन द वेस्टर्न पार्ट वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग ऑफ लार्ज डायमेंशन। तो जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो था अप्रेज्ड सिटाडेल, ये जिसको हम कहते हैं, यहां पर लार्ज बिल्डिंग होती थी, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, सच एज ग्रेनरीज, यानी के अनाज को स्टोर करने का जगह, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पिलर्ड होल, कोर्टयार्ड, ये सब कुछ तरह के एग्जाम्पल है जो कि लार्ज बिल्डिंग के, जो कि सिटाडेल पर होती थी। सम ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटाडेल माइट हैव बीन रेसिडेंस ऑफ द रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट। तो रूलर्स और एरिस्टोक्रेट के जो मकान थे वो भी सिटाडेल के ऊपर थे। However, Indus Valley civilization site do not have large monumental structures such as temple or palaces for the rulers, unlike Egyptian and Mesopotamian civilization. तो Indus Valley civilization के जो लोग थे वो large monumental structures नहीं बनाते, जैसे कि Egyptian लोगों ने pyramids बनाए, ठीक है, तो Mesopotamian लोगों ने palaces बनाए, इस तरह का ऐसा नहीं होता था during IBC. The granaries were intelligently designed with strategic adducts and raised platform which helped in storage of grains and protecting them from pest. तो जो अनाज को स्टोर करने के कोठार थे वो स्टोरेज हाउसेस जो थे वो बड़े ही स्ट्रेटेजिक तौर पर बनाए जाते थे। उनमें एडक्ट होते थे ताकि हवा का आवागमन हो सके और उनको पेस्ट से भी प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनता था वो। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हरप्पन सिटीज इज प्रिवलेंस ऑफ पब्लिक बाथ्स। तो पब्लिक बाथ्स थे जिसका इस्तेमाल रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग के लिए किया जाता था, और जो मोहनजो दरो से फॉर एग्जाम्पल पब्लिक बाथ हमको मिला है, मोहनजो दारो से जो पब्लिक बाथ हमको मिला है वो पब्लिक बाथ में ईस्ट
एंड वेस्ट साइड पर जो थे वो सीढ़िया थी, जी हाँ स्टेप्स थे चढ़ने उतरने के। कोई लीक या फिर क्रैक आपको इन पब्लिक बाथ्स में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। यही यही सजेस्ट करता है कि उनका टाउन प्लानिंग जो था वो अटमोस्ट कैटेगरी का था, और दोनों तरफ पब्लिक बाथ के दोनों तरफ चेंजिंग रूम भी थे। जी हाँ पब्लिक बाथ के दोनों तरफ चेंजिंग रूम थे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि उनका इस्तेमाल पब्लिक बाथ का रिचुअलिस्टिक तौर पर होता था, और मोहनजोदड़ो में जो पब्लिक बाथ मिला उसका जो एरिया है वो 39x23x8 था। जी हाँ लेंथ 39, विथ 23 एंड गहराई यानी कि डेप्थ 8 फिट का था। ये सब फिट में है तो याद रखिएगा। दिस बाथ ऑल्सो हैड एन एरे ऑफ गैलरीज एंड रूम सराउंडिंग इट। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक बाथ इज ग्रेट बाथ इन एक्सकैवेटेड रिमेन्स ऑफ मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी स्मॉल वन रूम्ड हाउसेस हैव बीन फाउंड व्हिच माइट हैव बीन यूज्ड एज क्वार्टर्स बाय द वर्किंग क्लास पीपल। तो जो छोटे छोटे एक कमरे वाले मकान थे जो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में थे, उनमें वर्किंग क्लास के लोग रहते थे, ऐसा हमको इमेजिन कर सकते, गैस कर सकते हैं, वी कैन स्पेकुलेट दैट। और कुछ हाउसेस में स्टेयर्स यानी सीढ़ियां थी जो कि इंडिकेट करते हैं कि डबल स्टोरीड मकान भी वहां पर मौजूद थे। ज्यादातर बिल्डिंग्स में प्राइवेट वेल्स और बाथरूम्स होते थे, वो भी वेंटिलेटेड। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज द एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। स्मॉल ड्रेन्स रेन फ्रॉम ईच हाउस एंड वर कनेक्टेड टू लार्जर ड्रेन्स रनिंग अलोंगसाइड द मेन रोड्स। द ड्रेन्स वर कवर्ड लूजली टू अलाउ रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। सेस्पिट्स वेर प्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। द इंपॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन हाइजीन बोथ पर्सनल एंड पब्लिक इज क्वाइट इंप्रेसिव। प्रेजेंस ऑफ वेल हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व एट मेनी साइट। अब हम हरप्पन सिविलाइजेशन के दौरान बनने वाले स्कल्पचर की बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, उस वक्त स्कल्पचर का मतलब होता है कुछ भी जो 3 डायमेंशन में हो। 3 डायमेंशन, 3 परिमाणीय में जो भी चीज मौजूद है उनको आप स्कल्पचर की कैटेगरी में डाल सकते हो। और मैं आपको बता दूं हरप्पन लोग जो थे उसमें मोस्ट कॉमनली फाउंड स्कल्पचर 3 तरह के थे, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स एंड पोट्रीज। कभी कभी टेराकोटा फिगर्स भी पाए जाते थे। तो सील्स फिगर्स यानी कि स्टैच्यूज, प्रतिमाएं और पोट्री, माटी कला के नमूने। ये 3 चीज जो थी वो हरप्पन सिविलाइजेशन के स्कल्पचर में मेन थी, ये याद रखना। हम पहली जो चीज का डिस्कस करने वाले हैं वो सील्स है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है फाउंड न्यूमरस सील्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑल अक्रॉस द एक्सकावेशन। देखो जो सील्स थे वो ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हर आकार के प्रकार के बनते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सील बनते थे वो स्क्वायर शेप्ड थे, याद रखना। अब ये भी आपको मैं बता दूं कि सील हर प्रकार के मटेरियल से, हर टाइप के मटेरियल से बनते थे, जैसे कि येट अगेट, चैट, कॉपर, फेंस, टेराकोटा, सब तरह के मटेरियल से सील बनाए जाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो सील बनते थे वो स्टेटाइट में से बनते थे, जो एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है जो कि रिवर बेड्स में से मिलता था। गोल्ड और आइवरी के सील्स भी कई कई बार पाए गए हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब जो सील्स है उसकी 2 बाजुएं होती थी आमतौर पर, उसमें से एक साइड पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन लिखा रहता था, ठीक है, जिसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और स्क्रिप्ट मोस्टली राइट टू लेफ्ट वो लोग लिखते थे, और वो एक तरीके से आप बाई डायरेक्शनल राइटिंग था, तो इस तरीके से स्क्रिप्ट जाती थी, ठीक है, जैसे कि कोई सरपंट रेंग रहा हो। और मैं आपको बता दूं कि बुस्ट्रोफेडॉन इज द नेम ऑफ लैंग्वेज इन विच द स्क्रिप्ट वॉज रिटन, ओके। और पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, पूरा का पूरा पिक्टोरियल स्क्रिप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। हेलो आतिक जी, और तो हमने ये देखा कि किस तरह से सील में एक बाजू पर लिखा हुआ रहता था और दूसरी बाजू जो थी, दूसरी साइड ऑफ द सील, उसमें एनिमल इंप्रेशंस रहता था। हर तरह के एनिमल को उसमें इंक्लूड किया गया था, यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बाइसोन, गॉट, मार्क्स, एवेक्स, सब थे। लेकिन कभी भी उन सील्स में गाय का चिन्ह आपको देखने को नहीं मिलेगा।
However, no evidence of cow has been found on any seal. किसी भी सील में गाय दिखाई नहीं दी. Okay. तो जनरली द सील हैड एन एनिमल और ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड एंड इंस्क्रिप्शन ऑन द अपोजिट साइड, जो कि मैं बता चुका हूं, और इंस्क्रिप्शन ऑन बोथ साइड. सम सील्स हैड इंस्क्रिप्शन ऑन थर्ड साइड एज वेल. सील्स वर प्राइमरी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस. कई पर्पस के लिए सील्स यूज होते थे, जैसे कि एजुकेशनल पर्पस के लिए जो सील यूज होते थे उनमें मैथमेटिकल साइंस आपको मिलेगी. कुछ सील्स का इस्तेमाल आईडी कार्ड के तौर पर भी होता था. कुछ सील्स जो थे वो डेड बॉडी के ऊपर पाए गए और उनमें होल था, इसका मतलब भूत को भगाने के लिए भी सील का इस्तेमाल होता था. सील्स वर प्राइमरली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस एंड हेल्प्ड इन कम्युनिकेशन. डिस्कवरी ऑफ वेरियस सील्स इन मेसोपोटामिया एंड वेरियस साइट्स सच एज लोथल इंडिकेट द सील्स वर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रेड. ट्रेड के लिए सील्स का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता था. सम सील्स विद अ होल ऑन देम हैव बीन फाउंड ऑन डेड बॉडीज, जो कि मैं बता चुका हूं, ठीक है. Some seals with hole on them have been found on dead bodies, indicating its use as amulets carried on the person of their owners, probably seen as some form of identification. Mathematical images have also been found on some seals, ये मैं बता चुका हूँ, which might have been used for an educational purpose as well. Seals with symbols similar to swastika designs have also been found. तो swastika design के जैसे seals भी मिले हैं. अब जो वहां से प्रतिमाएं मिलके आई है, ठीक है, एक तो seal है स्कल्पचर में, एक तो हमने सील देखा. अब हम जो है फिगर्स देखेंगे, वो दो तरह के हैं. एक तो ब्रॉन्ज फिगर है और दूसरा टेराकोटा फिगर्स है, ठीक है. तो पहले हम देखेंगे ब्रॉन्ज फिगर, देन वी विल गो फॉर द टेराकोटा फिगर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव टू से. तो ब्रॉन्ज फिगर की पहले बात करते हैं. द हरप्पन सिविलाइजेशन सो वाइड स्केल प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग. द ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक और सायर पड्यू मेथड. इन दिस टेक्निक वैक्स फिगर्स आर फर्स्ट कोटेड विथ वेट क्ले. तो मैं आपको ये पूरा जो है मेथड बता देता हूँ, समझा देता हूँ. चलिए हम जो है मेथड समझने की ओर आगे बढ़ेंगे. आप तो देखिए ये मेथड कैसा है कि पहले हम मिट्टी का एक पुतला बनाएंगे. वी विल फर्स्ट मेक अ मिट्टी का पुतला. फिर इस मिट्टी के पुतले के ऊपर, सॉरी पहले हम वैक्स का पुतला बनाएंगे. आई एम रियली सॉरी, वैक्स का पुतला बनाएंगे. वैक्स का पुतला पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये आसान होता है. गर्म वैक्स जो है जिस तरह से भी ढालना चाहो यू कैन मोल्ट इट. ओके, तो फिर हमने वैक्स का एक पुतला बनाया. फिर इसके ऊपर हल्का सा जो है मिट्टी का लेयर लगा देंगे और मिट्टी का लेयर, गीली मिट्टी का लेयर ऐसे ही लगाएंगे जैसे कि वो बिल्कुल टच होता रहे इस वैक्स के पुतले को, और इस पूरे वैक्स का जो पुतला है उसको मिट्टी के लेयर से ढक देंगे. सिर्फ एक जगह पर कहीं पर, मान लो कि मैं ऊपर जो है थोड़ा खाली रखूंगा, यहाँ पर मैं अलग पेन से आपको वो दिखा देता हूं कि कैसे मैं खाली रख रहा हूं उस जगह पर. यहां पर मैं मिट्टी नहीं रखूंगा, ठीक है, यहां पर मैं मिट्टी नहीं रखूंगा और मैं बाकी जगह पर मिट्टी लगा देता हूं और पूरी तरह से मिट्टी से ढक देता हूं. जब मिट्टी सूख जाएगी, जब मिट्टी सूख जाएगा तब हम इसको जो है पूरे पुतले को आग में रख देंगे. इन द फायर वी आर गोइंग टू प्लेस द होल स्टैचू. तो फायर में रख देंगे, इससे पूरा जो वैक्स का अंदर का जो रचना है वो पिघल जाएगा और वो पिघल के यहां से जहां पर होल है, जहां पर हमने मिट्टी नहीं लगाया, वहां से बाहर आ जाएगा. वहां से एक बार बाहर आ जाए फिर हम उसमें
मोल्टेन एकदम मेल्ट हुआ जो है वो कोई मेटल डाल देंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम ब्रॉन्ज डाल देंगे। और मेटल जो है वो मेल्ट हुआ हुआ है तो वो एकदम वैक्स का पुतला है उसकी जगह ले लेगा और उसकी जगह पर सॉलिड हो जाएगा ठंडा पड़ते ही। फिर हम ऊपर से मिट्टी का जो ये लेयर है वो पक चुका होगा क्योंकि हमने उसको आग में रखा, तो फिर हम उसको धीरे धीरे तोड़ देंगे, ठीक है, और हमारे पास एक ब्रॉन्ज स्टेचू मिल जाएगा। इस टेक्निक में वैक्स का लॉस्ट होता है, इसीलिए इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक या सायर पर्ड्यू मेथड कहते हैं। इन दिस टेक्निक वैक्स फिगर्स आर फर्स्ट कोटेड विथ वेट क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। द क्ले कोटेड फिगर्स आर देन हीटेड अलाउिंग द वैक्स इनसाइड टू मेल्ट। ये मैं बता चुका हूँ, जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। द वैक्स इज देन पाउड आउट थ्रू ए टाइनी होल इन द लिक्विड। मेटल इज पाउड इन साइड द होलो मोल्ड। आफ्टर द मेटल हैज कूल्ड डाउन एंड सॉलिडिफाइड द क्ले कोट इज रिमूव्ड एंड मेटल फिगर ऑफ द सेम शेप एज द वैक्स फिगर इज ऑब्टेन। इवन नाउ द सेम टेक्निक इज प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सेम टेक्निक आज भी 5,000 साल पुराना टेक्निक आज भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आदिलाबाद डोकरा आज भी आदिलाबाद डोकरा टेक्निक जो है, आदिलाबाद डोकरा जो स्टेच्यू बनाते हैं तेलंगाना में, वो सायर पड्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने तेलंगाना के इस आदिलाबाद डोकरा मूर्ति कला को जो है जीआई टैग भी दे रखा है। और उस वक्त हमें जो इस टेक्निक से बना मिला है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिला मोहनजोदड़ो से, और ब्रोंज का बुल मिला कालीबंगन से। द डांसिंग गर्ल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रोंज स्कल्पचर, याद रखना। फाउंड इन मोहनजोदारो दिस 4-inch फिगर डेपिक्स अ नेकेड गर्ल वियरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स विच इंक्लूड बैंगल्स इन द लेफ्ट आर्म एंड एम्बुलेट्स एंड ब्रेसलेट ऑन द राइट आर्म। शी स्टैंड इन त्रिभंगी डांस पोस्चर विद द राइट हैंड ऑन हर हिप। तो लेफ्ट आर्म में क्या है सर? बैंगल्स है सर, ठीक है, और एम्बलेट्स एंड ब्रेसलेट राइट आर्म में है, ये हमको पता होना चाहिए, तो बता दिया। चलो दूसरा तरह का जो फिगर्स है वो टेरा कोटा फिगर्स है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ फिगर विच यूज टू बी मेड इन हरप्पन सिविलाइजेशन इज टेरा कोटा फिगर, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। टेराकोटा रिफर्स टू द यूज ऑफ फायर बेक्ड क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स। कंपेयर टू द ब्रॉन्ज फिगर्स द टेराकोटा स्कल्पचर्स फाउंड आर लेस इन नंबर एंड क्रूड इन शेप एंड फॉर्म। तो टेराकोटा फिगर बहुत कम बने हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतने फाइन नहीं थे जितना फाइन ब्रॉन्ज फिगर था, ठीक है, और मिट्टी से बनाए जाते हैं और फिर उनको आग में पकाया जाता है। और ज्यादातर जो टेराकोटा फिगर मिले हैं वो गुजरात और कालीबंगन से मिले हैं, वो पिंचिंग मेथड से बनाए जाते थे और ज्यादातर उनका इस्तेमाल टॉय मेकिंग इंडस्ट्री में होता था। दे वर मेड यूजिंग पिंचिंग मेथड एंड हैव बीन फाउंड मोस्टली इन द साइट्स ऑफ गुजरात एंड कालीबंगन। फॉर एग्जाम्पल मदर गोडेस एंड मास्क ऑफ हॉर्न डेटीज। द मदर गोडेस फिगर हैव बीन फाउंड इन मेनी इंडस साइट्स विच हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस। इट इज क्रूड फिगर ऑफ स्टैंडिंग फीमेल एडोर्न विथ नेकलेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट। शी वियर अ लॉइन क्लॉथ एंड ग्रिडल। शी ऑल्सो वियर्स अ फैन शेप्ड हेड गियर। द फेशियल फीचर्स आर ऑल्सो शोन वेरी क्रूडली एंड लेग्स फाइननेस। शी वॉज प्रोबेबली वर्शिप्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी। शी माइट ऑल्सो हैव बीन गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कल्ट।
नाउ बियर्डेड प्रिस्ट जो कि आपके सामने है, ठीक है, हियर यू कैन सी द बियर्डेड प्रिस्ट, देखो ये है बियर्डेड प्रिस्ट हमारा प्यारा सा क्यूट सा बैठा हुआ है। बियर्डेड प्रिस्ट फाउंड इन मोहनजोदारो एंड मेड ऑफ स्टेटाइट, इट इज द फिगर ऑफ बियर्डेड मैन ड्रैप्ड इन अ शॉल। तो यहाँ पर ये जो है आप इसका शॉल देख पा रहे होंगे, ये शॉल का डिजाइन है, ठीक है, विथ अ टर्फोल पैटर्न। सो मैं पैटर्न भी दिखा दिया हूं। द आईज आर इलोगनेटेड, देखो आईज जो है गोल नहीं है, इस तरीके से इलोगनेटेड है। एंड हाफ क्लोज्ड एज इन मेडिटेशन, तो आधा खुला आंख है आधा बंद आंख है, तो जैसे कि मेडिटेशन में बैठा हुआ है। द रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टोर्सो फाउंड इन हरप्पा एंड मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, द टोर्सो हैज अ फ्रंटल पोस्चर विथ वेल बैक्ड शोल्डर्स एंड प्रोमिनेंट एब्डोमेन, देयर आर सॉकेट होल्स इन द नेक एंड शोल्डर्स एंड प्रोबेबली फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म्स। तो देखो यहां इसका जो पेट है वो काफी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, इसका सिर्फ टोर्सो है, फ्रंट पोर्शन है इसका सिर्फ टोर्सो, यहाँ पर सॉकेट्स है ताकि हेड और आर्म्स बाद में लगाया जा सके, ये ध्यान में रखना। अब पोटरी भी उस वक्त बनती थी, देखो किसी भी एरिया का जो माटी का कला है, माटी का जो कला है उसी से उस एरिया के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन में पोटरी बनती थी उसके बारे में जो आपको बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना बच्चों। तो पहली बात, दो तरह का पोटरी बनता था, एक तो था प्लेन पोटरी और दूसरा था RBPW पोटरी। अब RBPW उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका पूरा नाम है रेड एंड ब्लैक पोटरी वेयर, रेड एंड ब्लैक पोटरी वेयर, ठीक है। रेड एंड ब्लैक पोटरीवेयर उसका नाम था, रेड जो था उसका बैकग्राउंड था, रेड बैकग्राउंड था और ब्लैक कलर से उसके ऊपर फिगर्स को ड्रॉ किया जाता था, ठीक है। अब हम ये भी मैं बता देता हूं कि पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो तीन तरह का पोटरी था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पहला था प्लेन पोटरी जिसमें वो स्टोरेज का काम करते थे, मेनली स्टोर करते थे वॉटर एंड ग्रेन। दूसरा तरह का जो पोट्री था उसको मिनिएचर पोट्री कहेंगे, वो मेनली डेकोरेटिव पर्पस के लिए अवेलेबल था और वो हाफ ईंच से भी छोटा हुआ करता था, डेकोरेटिव पर्पस था हाफ ईंच से भी छोटा हुआ करता था। और तीसरा जो पोट्री है वो परफोरेटेड पोट्री था, यानी उसमें बहुत सारे होल्स थे और वो मेनली लिकर स्ट्रेनिंग के लिए, दारू को गलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। The pottery found at excavation sites can be broadly classified into two kinds, plain pottery, painted pottery. The painted pottery is also known as red and black pottery as it is red color to paint the background and glossy black paint was used to draw designs and figures on the red background. Trees, birds, animal figures and geometrical patterns were the recurring themes of the painting. Most of the potteries that have been found are very fine and well made pieces. ज़्यादातर potteries जो थी वो well made थी, यानी के चक्र के ऊपर बनती थी, विथ वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड। सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलीक्रोम पोटरी हैव आल्सो बीन फाउंड दो वेरी रेयर। द पोटरीज वर यूज्ड फॉर थ्री मेन पर्पस, तीन मेन पर्पस के लिए पोटरी का इस्तेमाल होता था। प्लेन पोटरी वॉज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस, मेनली स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड वाटर, ठीक है। प्लेन पोटरी का इस्तेमाल ग्रेन एंड वाटर को स्टोर करने के लिए, जो मैं बता चुका हूँ। मिनिएचर वेसल्स जनरली लेस देन हाफ एन इंच इन द साइज बता चुका हूँ, वेर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस। सम ऑफ द पोटरीज वेर परफोरेटेड विथ लार्ज होल इन द बॉटम, यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड स्मॉल होल अक्रॉस द साइड, ये आप देख सकते हो, ठीक है। दे माइट हैव बीन यूज्ड फॉर स्ट्रेनिंग लिकर, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ऑर्नामेंट्स, अब हम ऑर्नामेंट्स आभूषणों के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं।
The Harappans used a large variety of materials from precious metals and gemstones to bones and even baked clay to make ornaments. Both men and women wore ornaments like necklaces, fillets, armlets, and finger rings, girdles, earrings, and anklets were worn only by women. ठीक है, तो ये चीजें सिर्फ औरतें पहनती थी और बाकी सब मर्द भी और औरतें भी पहनती थी. बीड मेड फ्रॉम कार्नेलियन, एमेस्थीट्स, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट एटसेट्रा वर क्वाइट पॉपुलर एंड वर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एज इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड इन चाहूदारो एंड लोथल. तो चाहूदारो और लोथल में बीड्स मणके बनाने की फैक्ट्री थी जिससे कि ऑर्नामेंट बनते थे. फैब्रिक जो थी उसके लिए हरप्पन कॉटन और वूल का इस्तेमाल करते थे विच वर स्पन बाय रिच एंड पुअर अलाइक. द पीपल ऑफ द टाइम वर कॉन्शियस ऑफ फैशन एज वेल एज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेयर एंड बियर्ड. तो बाल और दाढ़ी के अलग अलग किस्म के स्टाइल से वो लोग परिचित थे और वो इसका इस्तेमाल करते थे. अब हम पोस्ट मौर्यन आर्ट देखने वाले हैं, उसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 5 मिनट ब्रेक, देन वी विल गो फॉर पोस्ट मौर्यन आर्ट. तब तक मेरे साथ बने रही. ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट इज इन द पोस्ट मौर्यन आर्ट. ब्रेक बाद में ले लेंगे, ठीक है. अब पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में पहले थोड़ा सा बहुत सा जान लेते हैं. After the decline of Mauryan Empire in 2nd century BC, small dynasties sprang up in various parts of India. Among them, the Shunga, Kanvas, Kushans, Saks in north and Satvahanas, Ikshavakus, Abhiras and Vaktakas in southern and western India gained prominence. Wait a minute, guys. तो मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद
ठीक है, पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकली क्या हुआ देख लेते हैं, फिर वी विल मूव बैक टू द आर्ट एंड कल्चर पार्ट। मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, जो कि 2nd सेंचुरी BC में तकरीबन हुआ, छोटे छोटे डायनेस्टीज जो है, जैसे कि शुंग, कानव, कुशान, शक नॉर्दर्न इंडिया में आई, सातवाहन, इक्ष्वाकु, अभिरास, वाकटक सदर्न इंडिया में आई और वेस्टर्न इंडिया में भी। तो इसी तरीके से रिलीजियस सीन भी बदला। ठीक है, ब्राह्मणिकल जो सेक्ट था, जो कि मौर्य एम्पायर के दौरान कम पॉपुलर हो गया था ड्यू टू बुद्धिज्म, जैनिज्म एटसेट्रा, ब्राह्मणिकल सेक्ट फिर से प्रोमिनेंस में आया। रिलीजियस सीन शो द इमर्जेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट, किस तरह के, शैवाइट, वैष्णवाइट, शक्तिज। द आर्ट ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग सोशियो पोलिटिकल सिनारियो एज वेल द आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स एंड स्तूपास कंटिन्यूड। अभी भी रॉक कट केव्स और स्तूप का निर्माण तो हो ही रहा था, विथ ईच डायनेस्टी इंट्रोड्यूसिंग सम यूनिक फीचर ऑफ देयर ओन। जितनी डायनेस्टी आई उन सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ यूनिक फीचर जो है इंट्रोड्यूस किया। सिमिलरली डिफरेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर इमर्ज एंड द आर्ट ऑफ स्कल्पचर रीच इट्स क्लाइमेक्स इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, उसी तरीके से काफी डिफरेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर इमर्ज एंड द आर्ट ऑफ स्कल्पचर रीच इट्स क्लाइमेक्स इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो बाद में स्कल्पचर का आर्ट जो है पोस्ट मौर्यन पीरियड में काफी बड़ा। तो पहले हम रॉक कट केव्स की बात करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक कट केव्स कंटिन्यूड एज इन द मौर्यन पीरियड, हाउएवर दिस पीरियड शो द डेवलपमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रॉक केव्स, चैत्या एंड विहार। अब दो तरह के, चैत्या जो था वो क्या था सर, प्रेयर होल्स था। ठीक है, यहाँ पर प्रेयर्स होती थी, और विहार जो था वो बौद्ध मॉन्क जो थे उनके रहने के लिए रेसिडेंशियल रूम था या हॉल था। ठीक है, यहाँ पर रेसिडेंस था बौद्ध मॉन्क्स का। वाइल द विहार्स वर रेसिडेंशियल होल्स, जो कि मैं बता चुका हूँ, फॉर द बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स एंड वर डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर, द चैत्या होल्स वर डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। तो पोस्ट मौर्य टाइम में चैत्या होल्स का डेवलपमेंट हुआ। दे वर मेनली क्वाड्रंगल चैम्बर्स विद अ फ्लैट रूफ एंड यूज्ड एज अ प्रेयर हॉल। कौन, चैत्या की बात हो रही है। द केव्स आल्सो हैड एन ओपन कोर्टयार्ड एंड स्टोन स्क्रीन वॉल्स टू शील्ड फ्रॉम रेन। दे वर आल्सो डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। ठीक है, ये भी याद रखना कि जो द केव्स आल्सो हैड एन ओपन कोर्टयार्ड एंड स्टोन स्क्रीन वॉल्स टू शील्ड फ्रॉम द रेन, और वहां पर डेकोरेटेड ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल कार्ले चेतिया होल अजंता के, उसमें अजंता के उसमें टोटल 29 केव्स है, उसमें से 25 विहार्स है, 4 चेतिया है। अजंता के उसमें सिर्फ आपको बौद्धिज्म से जुड़ा हुआ ही मटेरियल मिलेगा। इलोरा में तीनों रिलीजन से, बौद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ मटेरियल मिल जाएगा। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स ओडिशा, दे वर मेड अंडर द कलिंग किंग खारवेला इन 1st-2nd सेंचुरी BC नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वर। तो ये भी याद रखना कि जो उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स थे ओडिशा में, वो कलिंग किंग खारवेला के टाइम के दौरान बनी थी और मॉडर्न डे भुवनेश्वर के पास बनी थी 1st या 2nd सेंचुरी BC में। द केव कॉम्प्लेक्स हैज बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल केव्स, दे वर पॉसिबली कार्व्ड आउट एज अ रेसिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स, जैन मॉन्क्स के लिए मेनली बनी थी। देयर आर 18 केव्स इन उदयगिरी एंड 15 इन खंडगिरी। उदयगिरी केव्स आर फेमस फॉर द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन विच इज कार्व्ड आउट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द इंस्क्रिप्शन स्टार्ट आउट विद जैन नमकार मंत्र एंड हाईलाइट्स वेरियस मिलिट्री कैंपेन द किंग खारवेला। किंग खारवेल ने जो भी मिलिट्री कैंपेन दिए वो हाथी गुफा किंग जो इंस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएंगे। रानी गुफा केव, सॉरी रानी गुफा केव इन उदयगिरी इज डबल स्टोरीड एंड हैज सम ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। रानी गुफा जो केव था उदयगिरी में, उसमें काफी सुंदर स्कल्पचर थे और डबल स्टोरीड था। अब स्तूपा की बात करते हैं। स्तूपा बिकेम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव इन पोस्ट मौर्यन पीरियड, स्टोन वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। अब स्टोन का इस्तेमाल होने लगा पोस्ट मौर्यन पीरियड में वुड एंड ब्रिक की जगह। द शुंगा डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरंस एज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड गेटवे टू स्तूपा। स्तूपा में जाने से पहले आपको गेटवे में जाना होता था और गेटवे को ब्यूटीफुली कार्व्ड किया गया था और उनको तोरण बोलता था। तोरण वर इंटिक्रेटली कार्व्ड विद फिगर्स एंड पैटर्न्स एंड वर एविडेंस ऑफ हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। आपको वहां पर ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बारूद स्तूपा मध्य प्रदेश में है, द तोरण एट सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश एटसेट्रा। अब हम तीन स्कूल जो स्कल्पचर का डेवलप हुआ उसको जानने से पहले 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओके गाइस, लेट अस मीट आफ्टर ब्रेक।
सो हम पोस्ट मौर्या पीरियड में तीन तरह के गुड इवनिंग राहुल जी, तो पोस्ट मौर्या पीरियड जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, उस पोस्ट मौर्या पीरियड में तीन तरह के स्कल्पचर जो है वो डेवलप हुए। जी हाँ, तीन तरह का स्कल्पचर बनाने का तरीका जो है इवॉल्व हुआ। थ्री प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड इन दिस पीरियड एट थ्री डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया, सेंटर्ड एट गांधार जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर डेवलप हुआ, मथुरा अपने नाम के हिसाब से मथुरा में डेवलप हुआ, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना एरिया में डेवलप हुआ।
तो ये स्कल्पचर मूर्ति कला बनाने के तीन तरीके मेनली पोस्ट मौर्य टाइम में डेवलप हुए। क्या बनाने के? मूर्ति कला बनाने के। तो उसमें से हम पहले गांधार शैली की बात करेंगे। पोस्ट मौर्य यानी कि जहां से मौर्य एम्पायर का अंत हुआ और छोटी छोटी डायनेस्टी जैसे कि शुंग, कानव, अभिरास, वाकटक, सातवाहन इनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इन डायनेस्टीज ने काफी कंट्रीब्यूट किया इन तीन मूर्ति कला बनाने की शैली में। तो पहला है गांधार शैली। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब, आज का मॉडर्न जो पेशावर और अफगानिस्तान है वहां पर डेवलप हुआ। अब देखो गांधार शैली कहाँ पर डेवलप हुआ? पेशावर, अफगानिस्तान एटसेट्रा के पास में डेवलप हुआ। उस वक्त ये गांधार जो जगह है अफगानिस्तान में, वहां पर काफी बड़ी मात्रा में ग्रीक इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी आते थे और ये अपने साथ बहुत सारे ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस लेके आए स्पेसिफिकली फॉर स्कल्पचर बिल्डिंग। जी हाँ, स्कल्पचर्स को बनाने के काफी ट्रेडिशंस ग्रीक और रोमन लेके आए इस गांधार रीजन में, जिन्होंने लोकल ट्रेडिशंस जो थे रीजन के उसको भी इन्फ्लुएंस किया। इसीलिए गांधार शैली को ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। द गांधार स्कूल जो है वो दो स्टेजेस में फ्लोरिश हुआ, 50 BC से लेकर, जी हाँ 50 BC से लेकर 500 AD के दौरान, यानी 550 सालों में दो स्टेजेस में गांधार स्कूल डेवलप हुआ। जो पहला स्टेज था उसमें ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था मूर्तियों को बनाने के लिए। जी हाँ, याद रखिएगा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट दो स्टेजेस में हुआ। शीतल कितने स्टेजेस में हुआ? दो स्टेजेस में हुआ। और जो पहला जो स्टेज था उसमें ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था। दूसरा जो स्टेज था उसमें मड और स्टाको का इस्तेमाल होता था स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। 50 BC से लेकर 500 AD के दौरान ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं वो गांधार शैली का डेवलपमेंट हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में हुआ। और इसमें मेनली बुद्ध एंड बोधिसत्वा का इमेज था। बोधिसत्वा किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा ही जायज है, तो मैं आपको बता देता हूं कि बोधिसत्वा यहाँ पर किसको कहेंगे। इसके लिए पहले हम एक व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने कर्मों की वजह से जो है बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर लिया है और वो इतना नॉलेज है कि उनको जब चाहे तब मोक्ष यानी कि साल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, साल्वेशन की प्राप्ति वो जब चाहे तब कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति जब चाहे तब कर सकते हैं, जन्म मरण के जो फेरे हैं उसमें से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति उनको मिल सकती है। लेकिन अगर वो लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे तो हम जैसे जो पामर आम लोग हैं उनका कल्याण, उनको ज्ञान कौन देगा, ये सोचकर वो अपना मोक्ष का प्राप्ति टालते हैं और अपना मोक्ष जो है मिल सकता है फिर भी नहीं लेते हैं और इस दुनिया में रहते हैं ताकि हम लोगों को ज्ञान दे सके। वैसे लोगों को क्या कहते हैं? बोधिसत्व। जिनों जिन लोगों में बोध का सत्व है उनको बोधिसत्व बोलते हैं। ठीक है ना शीतल, आपको समझ में आ गया ना? द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास वेर बेस्ड ऑन ग्रीको रोमन पैंथियोन एंड रिसेम्बल डेट ऑफ अपोलो। जो ग्रीक गॉड है अपोलो, जो कि सूरज का देवता है, उनके जैसा ही भगवान बुद्ध को गांधार शैली में दिखाया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मथुरा जो स्कूल था, मैं पहले ये बता देता हूं कि गांधार शैली को जो एक तरीके से सपोर्ट करने वाला है वो कुषाण रूलर्स से। कौन, किसने सपोर्ट किया गांधार शैली को? कुषाण रूलर्स ने सपोर्ट किया, जिनके वक्त के दौरान सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन पाए जाते थे वही कुषाण रूलर्स ने गांधार शैली को सपोर्ट किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। नाउ लेट अस सी द मथुरा शैली। मथुरा को भी कुषाण रूलर्स ने ही सपोर्ट किया है। मथुरा शैली जो है यमुना रिवर के किनारे पर बना हुआ है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी AD के दौरान बना है मथुरा शैली। और मथुरा शैली में
तीनों रिलीजन के स्कल्पचर पाए जाते हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। मैं आपको बता दूं कि गांधार शैली में सिर्फ बुद्धिज्म रिलीजन के ही स्कल्पचर पाए जाते हैं, जबकि मथुरा शैली में बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म तीनों रिलीजन के स्कल्पचर जो है आपको मिल जाएंगे। और ज्यादातर जो इमेजेस है वो यक्ष और यक्षिणी से जुड़ी हुई है, जो कि मौर्यन टाइम के दौरान भी पाई जाती है। अब मथुरा जो स्कूल है उसमें स्ट्राइकिंग यूज ऑफ सिंबोलिज्म दिखाई देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हिंदू गॉड्स और गोडेसिस है उनके युद्ध, उनके हाथ में आयुध यानी कि शस्त्र दिखाई पड़ते हैं। हिंदू गॉड और गोडेसिस के हाथ में क्या दिखाई पड़ता है? शस्त्र। और जो शिव का इमेज है वो लिंगा और मुखलिंगा के तौर पर दिखाया गया है। बुद्धा जो है उनके पीछे एक तरह का हेलो है, ओरा है, और वो हेलो जो है गांधार शैली में जो ओरा है उससे बड़ा दिखाई गया है। और मथुरा शैली का हेलो तो बड़ा है ही, लेकिन उस हेलो को, उस ओरा को जियोमेट्रिकल पैटर्न से डेकोरेट भी किया गया है। और बुद्धा जो है वो बीच में है और दो बोधिसत्व उनके अगल बगल में बैठे हुए हैं, ऐसा यहां पर दिखाई पड़ता है। दो बोधिसत्व का नाम है पद्मपानी, पद्म यानी कि कमल, पानी यानी कि हाथ, यानी कि जिनके हाथ में कमल है उनको पद्मपानी कहेंगे, वो बोधिसत्व का नाम है। और दूसरे बोधिसत्व है वज्रपानी, जिनके हाथ में वज्र है, थंडर बोल्ट है वो। तीसरा जो है वो है अमरावती शैली। जी हाँ, अमरावती शैली इज द थर्ड टाइप ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन टाइम। अमरावती स्कूल इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये कृष्णा नदी के किनारे पर, ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर जो है ये बना, और सातवाहन रूलर्स ने इसको प्रमोट किया है। किसने अमरावती शैली को प्रमोट किया स्कल्पचर्स की? सातवाहन। और ज्यादातर जो इमेजेस बनती थी, जो स्कल्पचर्स बनते थे अमरावती शैली के, वो बेसिकली डायनेमिक इमेजेस थी। जी हाँ, किस तरह की इमेजेस थी? डायनेमिक इमेज, यानी कि यहाँ पर नैरेटिव आर्ट को ज्यादा प्रमोट किया गया था। यानी एक स्कल्पचर जो है कुछ दिखा रहा होगा, दूसरा उसका बगल वाला स्कल्पचर स्टोरी को आगे बढ़ा रहा होगा, उसके बगल वाला स्कल्पचर और स्टोरी को आगे बढ़ा रहा होगा। इस तरह से जातक कथाओं को यहाँ पर जो है अमरावती शैली में प्रेजेंट किया गया, यानी बुद्ध के इंडिविजुअल फीचर पर भार नहीं दिया गया है, ठीक है। While the other two school focused on the single images, देखो single images के ऊपर, बाकी के जो गांधार और मथुरा है उन्होंने focus किया, अमरावती school put more emphasis on the use of dynamic images or narrative art. The sculpture of this school made excessive use of tribhanga posture. तो ये आपको याद रखना है, अमरावती शैली में त्रिभंगा पोस्चर को जो है काफी वेटेज मिला है। और हम यहाँ पर तीनों शैली के डिफरेंसेस देखने वाले हैं। यूपीएससी ने कई बार डिफरेंसेस को लेकर क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। और बहुत सारा स्टेट पीएससी भी है, ठीक है, तो स्टेट पीएससी भी ये पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो पहले गांधार स्कूल को देखते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर जी हाँ, हैवी ग्रीक और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि मथुरा शैली जो है इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है। वैसा ही अमरावती शैली में भी है, कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। अब मथुरा शैली जो है वो ज्यादातर ब्लूइश ग्रीस सैंडस्टोन से बनाया है फर्स्ट स्टेज में, 50 BC से लेकर 500 AD के दौरान बना, दो स्टेजेस में बना। पहले स्टेज में ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल, दूसरे स्टेज में मड एंड स्टाको का इस्तेमाल हुआ था। मथुरा शैली जो है उसमें स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा, छोटे छोटे टिपकियों वाले लाल कलर के सैंडस्टोन का। और मैं बता चुका हूं अमरावती में व्हाइट मार्बल का बहुल मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। रिलीजियस इन्फ्लुएंस अगर आप देखें तो गांधार में, मैं ये भी बता चुका हूं कि गांधार में सिर्फ बुद्धिस्ट इमेजरी को दिखाया गया है, प्लीज याद रखना, गांधार शैली में किसको दिखाया गया है? सिर्फ बुद्धिस्ट इमेजरी को, जबकि आपको मथुरा शैली में तीनों रिलीजन से जुड़े हुए जो है वो इन्फ्लुएंस दिखेंगे, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। जबकि यहां पर अमरावती में फिर से सिर्फ बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस जो है मेन रहेगा। मैंने आपको बता दिया पेट्रोनेज किसने दिया है गांधार शैली को, कुषाण रूलर्स ने, मथुरा शैली को भी कुषाण रूलर्स ने, सिर्फ अमरावती शैली को ही सातवाहन रूलर्स ने पेट्रोनाइज किया है। अभी भी डिफरेंस भूलना मत, अभी भी और है,
जैसे कि एरिया ऑफ डेवलपमेंट आप देखो, गांधार जो स्कूल है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया में कंधार के करीब अफगानिस्तान में डेवलप हुआ है। मथुरा शैली जो है मथुरा सॉन्ग कांकतीला में डेवलप हुआ है, और अमरावती शैली जो है कृष्णा गोदावरी लोअर वैली में डेवलप हुआ है। अब हम फीचर्स देखेंगे, बुद्धा का जो स्कल्पचर है उसका फीचर्स देखेंगे। गांधार शैली में बुद्धा को स्पिरिचुअल स्टेट में दिखाई दिया है, और जैसे कि ग्रीक गोड के वेवी हेयर होते हैं ना, तो उसी तरह के हेयर्स जो है वो यहां पर दिखाई देंगे, और बहुत कम ऑर्नामेंट आभूषण जो है वो बुद्ध ने पहने हैं, और बुद्ध यहां पर योगी की पोजीशन में आपको दिखाई देंगे, जिनकी आधी आंखें खुली है आधी बंद है, जैसे कि मेडिटेशन में हो। और यहां पर भी आपको एक हेलो यानी ओरा दिखाई देगा। ये आपको याद रखना है कि बुद्ध के फीचर्स गांधार शैली में क्या थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मथुरा शैली की बात करो, वेरी गुड राहुल चौधरी जी, मैं कभी ना कभी मथुरा आऊंगा, आप मुझे वहां के पेड़े जरूर खिलाना। बुद्धा इज शोन इन डिलाइटेड मूड, तो मथुरा शैली में बुद्धा जो है वो डिलाइटेड काफी खुश है, स्माइलिंग फेस है बुद्धा का, ठीक है। और बुद्धा की बॉडी में मस्कुलरिटी आपको दिखेंगी, ठीक है। बुद्धा क्या है, मस्कुलर है, और मसल्स है तो दिखाने भी पड़ेंगे, इसीलिए बुद्धा ने टाइट ड्रेस पहनी है ताकि मसल्स का शो ऑफ किया जा सके। द फेस एंड हेड आर शेवन, बुद्धा का जो सर है और दाढ़ी है वो शेव किया हुआ है। बुद्धा जो है पद्मासन की मुद्रा में है मथुरा शैली में, और अलग अलग किस्म का मुद्रा भी बुद्धा जो है वो धारण किए हुए हैं, जैसे कि वितर्क मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, तो इस तरह का मुद्रा जो है अभयम मुद्रा जो है बुद्धा दिखा रहे हैं इन मथुरा शैली। और बुद्धा का पीछे जो एक तरह से आप ओरा है वो काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू गांधार शैली। अब अमरावती शैली की बात करें तो नैरेटिव आर्ट यानी जातक कथाएं जो है बुद्ध के अगले जन्म की, जिसमें देखो जातक कथा ये कहती है कि कोई भी एक जन्म में निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। बुद्धा ने भी बहुत सारे प्रयास किए अपने अगले जन्म में, ठीक है। आम तौर पर बुद्धा के 34 जो है अवतार्स दिखाए गए हैं इसमें, और बुद्धा ने 34 अवतार लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कभी बुद्धा हंस बने, कभी प्रिंस बने, इस तरीके से बुद्धा ने हर जन्म में जो है मोक्ष की प्राप्ति के प्रयास किए, लेकिन सिद्धार्थ का जब जन्म लिया तभी उनको मोक्ष मिला। और ये पिछले जन्म की जो गाथा है उनको जातक कथाओं के रूप में अमरावती शैली में दिखाया गया है, और इंडिविजुअल फीचर के ऊपर जो है वो प्रभाव नहीं है। थैंक यू राहुल जी। ग्रीक आर्ट एंड रोमन आर्ट, चलिए हम इसकी बात करते हैं। ग्रीक एंड रोमन स्टाइल्स हैव सम डिफरेंस, द गांधार स्कूल इंटीग्रेट्स बोथ द स्टाइल। तो ग्रीक और रोमन एक जैसा स्टाइल तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन गांधार स्कूल जो है वो कोशिश करता है कि इन दोनों को इंटीग्रेट किया जा सके। द आइडियलिस्टिक स्टाइल ऑफ ग्रीक इज रिफ्लेक्टेड इन द मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ द गॉड्स। आइडियलिस्टिक माने आदर्श, गॉड तो होना चाहिए तो वो मस्कुलर ही होना चाहिए, ठीक है। एंड अदर मेन शोविंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, तो गॉड यानी बहुत ही ज्यादा हैंडसम होगा, ब्लू आईज होगी, तो ये ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर्स का एक इमेजिनेशन है। लॉर्ड्स ऑफ ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर्स फ्रॉम द ग्रीक पैंथियन हैव बीन स्कल्प्टेड यूजिंग मार्बल, ऑन द अदर हैंड द रोमन यूज्ड आर्ट फॉर ऑर्नामेंटेशन एंड डेकोरेशन एंड इज रियलिस्टिक। तो रोमन जो है वो रियलिस्टिक है, ऐसा नहीं कि गॉड है तो मस्कुलर होंगे, उनकी ब्लू आंखें होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और ग्रीक तो आइडियलिस्टिक है, ठीक है। द रोमन आर्ट प्रोजेक्ट्स रियलिज्म एंड डिपिक्ट्स रियल पीपल एंड मेजर हिस्टोरिकल इवेंट। तो रोमन आर्ट जो है रियलिस्टिक है, आम लोगों को प्रेजेंट करता है, जैसे कि मैं और आप, हिस्टोरिकल इवेंट को रोमन आर्ट जो है प्रेजेंट करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। द रोमन यूज्ड कंक्रीट इन देयर स्कल्पचर, दे वर ऑल्सो फेमस फॉर देयर म्यूरल पेंटिंग। तो ये हमको पता होना चाहिए इतना कि गांधार शैली में दोनों का मिक्सचर जो है वो इस्तेमाल किया है, रोमन और ग्रीक का, और ग्रीको रोमन यानी कि हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस आपको यहां पर दिखाई देगा। नाउ पोस्ट मौर्यन आर्ट खत्म हुआ, गुप्त एज शुरू हुआ, जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं वो शुरू हुआ है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया वो शुरू हुआ है अब। तो स्कल्पचर हो चाहे आर्ट हो
चाहे आर्किटेक्चर हो, काफी यहां पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। स्पेसिफिकली अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी अजंता इलोरा के उसके बारे में और टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हम बहुत सारे टेंपल यहां पर देखने वाले हैं, नगर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायक स्टाइल, वेस्टर स्टाइल, होयसाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल एंड पालायन सेना स्कूल, सो मेनी ऑफ देम वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। गुप्ता एज हम पहुंच चुके हैं गाइज, पोस्ट मौर्य के बाद जो आता है वो गुप्त। चलिए तो हम गुप्त एज का डिस्कशन करेंगे अब। चलिए शुरू करते हैं, सब स्क्रीन से बिन जरूरी चीजें जो है वो मिटा देते हैं। द इमर्जेंस ऑफ गुप्त एम्पायर इन 4th century AD इज ऑफन हेल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। 4th century AD में गुप्त एम्पायर का उदय हुआ और इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाइल द अर्लियर गुप्ता रूलर्स वर बुद्धिस्ट, शुरू के जो गुप्त थे वो बुद्धिस्ट थे, अभी भी वहां पर आपको इन्फ्लुएंस दिख रहा है जो मौर्यन एज का है वो। बाद में जो गुप्त रूलर्स आए उन्होंने बुद्धिज्म को थोड़ा कम किया और वापस जो है वो हिंदू रूलर्स, लेटर गुप्ता जो थे वो हिंदू रूलर्स थे। शुरू के गुप्त बुद्धिस्ट, लेटर गुप्ता जो थे वो हिंदू रूलर्स थे, ये हमको मालूम होना चाहिए। ओके, बाद में ही देखो जब तक हम किंग क्या है, वो किंग किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो नहीं जानते, तब तक आर्ट एंड कल्चर उसने क्या डेवलप किया उसके बारे में जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, वाइल द अर्लियर गुप्ता रूलर्स वर बुद्धिस्ट एंड कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर केम टू द फोरफ्रंट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ हिंदू रूलर्स ऑफ द लेटर गुप्ता फेस। ठीक है, लेटर गुप्ता जो था, जो रूलर्स आए उन्होंने काफी टेम्पल आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट किया। टेम्पल आर्किटेक्चर रीच इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, सिमिलरली बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट ऑल्सो रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द गुप्ता एज। तो गुप्त रूलर्स जो थे वो इनटॉलरेंट नहीं थे, काफी टॉलरेंट थे, दूसरे रिलीजन के प्रति भी उनका सहिष्णुता वाला बर्ताव था। तभी जैन आर्किटेक्चर एंड बुद्ध आर्किटेक्चर जो है वो गुप्ता टाइम के दौरान जो है पीक पर पहुंच पाया, जेनिथ पॉइंट पर पहुंच पाया, क्लाइमेक्स पर पहुंच पाया। तो गुप्ता रूलर्स स्पेशली इन द लेटर फेज वर ब्राह्मणिकल रूलर्स, हाउएवर दे शोड एग्जाम्पलरी टॉलरेंस फॉर ऑल अदर रिलीजन। ठीक है, मैं बता चुका हूं। थ्री प्रिंसिपल डेटीज वर्शिप्ड वर विष्णु इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, शिवा इन द सदर्न पार्ट एंड शक्ति इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज इन द मलबार कोस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो तीन डेटीज का जो वर्शिपिंग है वो अपने चरम पर पहुंच गया इस वक्त के दौरान, विष्णु नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, शिवा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, शक्ति ईस्टर्न पार्ट यानी बंगाल के रीजन में जहां पर आज भी दुर्गा पूजा मशहूर है, और मलबार कोस्ट यानी साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पे यानी केरला के करीब। ठीक है, और इस वक्त के दौरान ही, गुप्ता पीरियड के दौरान ही गुप्त रूलर्स ने करवाया, मैं नहीं कह रहा हूं नो केव्स का निर्माण गुप्त रूलर्स ने करवाया ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गुप्त पीरियड के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेन्ड कॉन्स्टेंट। केव का जो बनना था वो तो कॉन्स्टेंट रहा। देखो जब मैं कहता हूं ना गुप्ता पीरियड, कई लोग ये समझते था गुप्त रूलर्स ने बनवाया होगा, जी नहीं, मुगल पीरियड की जब बात आती है तब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मतलब ये होता है कि मुगल्स का डोमिनेंस है, मुगल पीरियड माने मुगल का डोमिनेंस। जरूरी नहीं कि सब आर्किटेक्चर वर्क जो है वो मुगल्स ने ही करवाए, ठीक है, राजपूत भी करवा सकते हैं, दक्षिण में विजयनगर एम्पायर के जो है वो लोग भी करवा सकते हैं,
इसका मतलब मुगल पीरियड माने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पॉलिटिकली डोमिनेंस उस वक्त मुगल का था, यहां पर गुप्त पीरियड माने के पॉलिटिकली पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उस वक्त गुप्त का जो था वो एक डोमिनेंस था, तो गुप्त पीरियड के दौरान हुआ है, गुप्त ने करवाया ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेंड कॉन्स्टेंट। However, the use of mural painting on the walls of the caves became an added feature. अब जो है mural painting का इस्तेमाल भी होने लगा। Some of the finest examples of mural paintings can be found in the caves of Ajanta and Ellora. तो finest example mural painting के कहां पर मिलते हैं? Ajanta और Ellora की cave में, और हम जो है वो उनको देखने वाले हैं in a minute. चलिए शुरू करते हैं अजंता केव्स के बारे में जानकारी लेना। अजंता जो है कोई एक केव का नाम नहीं, देर आर टोटल 29 केव्स, जिसमें से 25 विहार है यानी कि रेसिडेंशियल हॉल है, और 4 चैत्य है यानी कि प्रेयर हॉल्स है। अजंता जो है वो रॉक कट केव्स है इन सह्याद्री रेंज ऑन वाघोरा रिवर। किस नदी के ऊपर सर? वाघोरा रिवर नियर औरंगाबाद। औरंगाबाद के पास वाघोरा रिवर के ऊपर सह्याद्री रेंज में 29 केव्स है, 25 विहार है, 4 चैत्या यानी कि प्रेयर होल्स है। और द केव का डेवलपमेंट, ये जो केव्स थी उनका डेवलपमेंट 200 बीसी से लेकर 650 एडी के दौरान हुआ। जी हाँ, 200 बीसी से लेकर 650 एडी के दौरान अजंता केव्स का डेवलपमेंट हुआ। अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो अजंता केव्स में जो भी पिक्चर्स है, ठीक है, जो भी लिखावट है वो सब बुद्धिस्ट मॉन्क ने किया हुआ है, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाकटका किंग हरिशेना। तो वाकटका रूलर्स ने जो है अजंता केव्स को बनाने में काफी कंट्रीब्यूट किया है, उसमें भी प्रोमिनेंट वन कौन सा है? हरिशेना। द फिगर इन दिस केव्स वर मेड यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक एंड डेमोन्स्ट्रेट कंसिडरेबल नेचुरलिज्म। अब क्वेश्चन ये आता है, सर फ्रेस्को पेंटिंग क्या है? तो चलो मैं ये बता देता हूं कि फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है। उसके लिए एक व्हाइट स्क्रीन लेंगे और फिर फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो मान लो कि मैंने ये कलम लिया और दीवार पर मैंने पेंटिंग किया। चलो कलम ले लिया, दीवार पर मैंने पेंटिंग कर दिया, तो कुछ सालों बाद ये जो कलर्स होंगे ये मिट जाएंगे ड्यू टू रेन, टेम्परेचर और टाइम। ये सारी चीजें इस पेंटिंग को अफेक्ट करेगी और ये सब चला जाएगा, मिट जाएगा, धूल जाएगा। लेकिन फ्रेस्को पेंटिंग में क्या होता है कि जो काउडंग है उसको मड के साथ और जो राइस का ऊपर का कवर होता है राइस हस्क,
उसके साथ मिलाया जाता है, यानी काउडंग प्लस मर्ड प्लस राइस हस्क को मिलाकर गीला जब वो होता है तभी दीवार के ऊपर उसको पोत दिया जाता है, स्प्रेड करते हैं। गीला जब वो होता है उसी के उसी वक्त पूरी दीवार पर उसको स्प्रेड कर दिया जाता है। फिर कलर देखो, ये गीला है, ये पूरा का पूरा जो दीवार है वो अभी गीला है क्योंकि इसके ऊपर पोता गया, इसके ऊपर स्प्रेड किया गया है तीन चीजों का मिक्सचर, काउडंग प्लस मर्ड प्लस राइस हस्क। इस मिक्सचर जब ये गीला है उसी वक्त इसके ऊपर पेंटिंग कर दिया जाता है। जी हाँ, जब ये मिक्सचर गीला है उसी वक्त उसके ऊपर पेंटिंग कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, कलर्स जो है कलर्स वो अंदर तक उतरते हैं, ठीक है। कलर्स गो डीप इनसाइड द वॉल्स, क्योंकि ऊपर का जो लेयर है वो गीला हो रखा है। इससे अगर रेन टेम्परेचर टाइम सब इफेक्ट करेगा, फिर भी कलर्स के जो पिगमेंट्स है वो अंदर तक फैले हुए हैं क्योंकि गीली सपाटी के ऊपर, गीली सरफेस के ऊपर आपने पेंटिंग किया हुआ है। तो इस तरह के पेंटिंग को फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। The colors were obtained from local vegetation and minerals. The outlines of the painting were done in red color and the inside was painted. तो outline red color से बनाया है। One of the striking feature is the absence of blue color in the painting. किस color का absence आपको यहाँ पर दिखाई दिया है? Blue color का। Cave number 16 is one of the most elegant specimen of cave architecture. The paintings are generally themed around Buddhism. तो आपको अजंता केव में सिर्फ बुद्धिज्म का पेंटिंग मिलेगा, जबकि इलोरा केव में आपको तीनों हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म का पेंटिंग देखने को मिलेगा। द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातका स्टोरी को अजंता केव में पेंटिंग किया गया है। ऑफ द 29 केव्स, 5 वर डेवलप्ड ड्यूरिंग हीनयान फेज, तो हीनयान बुद्धिज्म आप जानते हो, व्हाइल द रिमेनिंग 24 वर डेवलप्ड ड्यूरिंग महायान फेज ऑफ बुद्धिज्म। तो बाकी के जो 24 है वो महायान फेज जो बुद्धिज्म का था उस वक्त बने हैं केव्स, और 5 जो है हीनयान फेज के वक्त बने हैं। रेफरेंस ऑफ अजंता केव्स कैन बी फाउंड इन द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर फाययान युएनसांग। जो फाययान और युएनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो भी यहां पर आए थे, उन्होंने भी अजंता केव्स को देखा और उसके बारे में लिखा भी है। और सम प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स ऑफ अजंता केव्स आर महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा इन द केव नंबर 26, नागा किंग एंड हिज कंसोर्ट इन केव नंबर 19। तो ये कुछ प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब टेक्निक ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं वैसे, लेकिन अभी फिर भी बता देता हूं। द पेंटिंग्स वर डन यूजिंग फ्रेस्को मेथड, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप टेक्निक। पहले अ लेयर ऑफ क्ले मिक्स्ड विद काउडंग एंड राइस हस्क वॉज अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक। देखो मैं बता चुका हूं कि जो दीवार है उसके ऊपर मिट्टी, गाय का गोबर और राइस के हस्क मिलाकर अच्छे से मिक्सचर करके दीवार के ऊपर लगा दो। जब वो गीला है, अ कोटिंग ऑफ लाइम प्लास्टर वाज देन अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर लाइम प्लास्टर लगा दो। कलर्स एंड पिगमेंट्स वर देन अप्लाइड ऑन द मॉइस्ट सरफेस, मैंने बताया गीली सरफेस के ऊपर ही कलर्स और पिगमेंट्स को अप्लाई कर दो। This allowed the pigment to seep in, तो अंदर तक कलर जाएगा, and create a lasting image on the rock surface. For example, dying princess and flying apsara. A technique of mural painting executed upon freshly laid or wet lime plaster. Wet. It is closely associated with Italian Renaissance painting. अब इलोरा के उसके बारे में भी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं, ठीक है। Let us see the Ellora Caves. Ellora Caves are another important site of cave architecture located nearly 100 kilometers away from the Ajanta Cave. यानी औरंगाबाद के पास ही में है, महाराष्ट्र में है। 34 caves है, 17 ब्राह्मणिकल है, 12 बुद्धिस्ट है और 5 जैन है। फिर से टोटल 34 है, उसमें से 17 जो है हिंदुइज्म, 12 बुद्धिज्म, 5 जैनिज्म। This set of caves were developed during the period between 5th and 11th century AD. 5वीं से लेकर 11वीं सदी के दौरान जो है इनको बनाया गया था, और ये अजंता केव्स के कंपैरिजन में नई है, न्यूअर, क्योंकि देखो उसको तो 650 AD से पहले बना लिया गया था, ठीक है। और ये जो है 5th से लेकर 11th सेंचुरी AD तक चला था।
बाई वेरियस गिल्ड फ्रॉम विदर्भ। तो मेनली जो बिजनेस कम्युनिटी थी, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, उनके समूहों ने, उनके गिल्ड ने, विदर्भ कर्नाटका एंड तमिलनाडु की जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, उनके ग्रुप्स ने इसको बनाया था। हेंस द केव्स रिफ्लेक्ट अ नेचुरल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ थीम एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो देखो, अगर एक किंग बना रहा है तो सब कुछ एक जैसा होगा, लेकिन बहुत सारे अलग अलग समूह मिलकर बना रहे, तो नेचुरल डाइवर्सिटी आपको मिलेगा। केव नंबर 1 से 12 जो है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है, बुद्धिस्ट। 13 से 29 हिंदुइज्म है से जुड़ा हुआ, 30 से 34 तक जैन दिगंबर सेक्ट से जुड़ा हुआ केव्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए। द हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव्स वर प्रीडोमिनेंटली कंस्ट्रक्टेड बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो हिंदू और बुद्धिस्ट केव को राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट किया था। जैन केव्स बाय यादव डायनेस्टी, तो जैन केव्स को यादव डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट किया था। सम ऑफ द प्रोमिनेंट केव्स इन इलोरा आर, केव नंबर 10 इज अ बुद्धिस्ट चैत्या केव नोन एज विश्वकर्मा केव और कारपेंटर्स केव। तो बुद्धिस्ट केव थी केव नंबर 10, मैंने यहां पर बता दिया है। देखो, 1 से लेकर 12 बुद्धिस्ट थी, तो 10वीं जो केव थी वो भी बुद्धिस्ट थी, चैत्या था यानी प्रेयर होल था, जिसको विश्वकर्मा केव कहते थे और कारपेंटर्स केव भी कहते थे। और यहां पर बुद्धा जो है वो धर्म चक्र मुद्रा में दिखाई देते हैं, और उनकी जो पीठ है उनके पीछे एक बोधि ट्री भी दिखाई देता है। अब केव नंबर 14 जो है उसको रावण की खाई कहते हैं, और केव नंबर 14 ऑब्वियसली एक हिंदू केव रही होगी, 13 to 29। केव नंबर 15 दशावतार टेम्पल यहां पर बना है, जो कि काफी फेमस है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, केव नंबर 16 इज अ कैलाश टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, इट वॉज डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकुटा किंग कृष्णा वन। तो कृष्णा वन जो कि एक राष्ट्रकूट किंग था, उसने केव नंबर 16 का डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूट किया। लॉर्ड शिवा का यहां पर टेम्पल, और ये मोनोलिथ है, एक ही खड़क में से, एक ही रॉक में से पूरे टेम्पल को काव किया गया है। कृष्णा वन राष्ट्रकूट किंग ने किया, एंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ मोनोलिथ एंड इवन हैज अ कोटिया। इन केव नंबर 16 देयर इज ऑल्सो स्कल्पचर ऑन द वॉल ऑफ कैलाश टेम्पल डिपिक्टिंग रावण शेकिंग माउंट कैलाश। तो कैलाश टेम्पल में एक आपको स्कल्पचर भी मिल जाएगा उसकी दीवारों के ऊपर, जिसमें रावण जो है कैलाश पर्वत को उठाकर हिला रहा है। ओके, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ इंडियन स्कल्पचर, इंडियन स्कल्पचर में मास्टरपीस है। फिर धूमर लेन केव है, उसका नाम केव नंबर 29 में है। रामेश्वर लेन केव, केव नंबर 21। दो फेमस जैन केव जो है, इंद्र सभा केव नंबर 32 एंड जगन्नाथ सभा केव नंबर 33, दैट यू पीपल नीड टू रिमेम्बर। अब छोटी छोटी केव्स है, फॉर एग्जांपल बाघ केव। बाघ केव को बाघ केव क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बाघनी रिवर जो मध्य प्रदेश पे है उसके रिवर बैंक्स के ऊपर है, ठीक है। बाघ केव को बाघ केव क्यों कहते हैं, क्योंकि बाघनी रिवर के किनारे के ऊपर है दोस्तों। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बाघनी रिवर इन मध्य प्रदेश, इट इज अ ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव। 9 बुद्धिस्ट केव है, जो कि 5th से 6th century AD के दौरान उसका जो है क्रिएशन हुआ है। इट इज आर्किटेक्चरली वेरी सिमिलर टू अजंता केव्स। मोस्ट सिग्निफिकेंट केव हियर इज रंग महल पेंटिंग इन बाघ केव्स आर मोर मटेरियलिस्टिक रादर देन स्पिरिचुअलिस्टिक। बाघ केव में आपको मटेरियलिस्टिक जो है वो स्कल्पचर्स मिलेंगे, स्पिरिचुअलिस्टिक स्कल्पचर्स कम मिलेंगे। नेक्स्ट इज जूनागढ़ केव। तो हम पहले ये बता दें कि गुप्ता एज का डेवलपमेंट है। दिस आर बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इन प्लेस ऑफ केव्स थ्री डिफरेंट साइट्स कैन बी फाउंड, खापरा खोड़िया, बाबा प्यारे एंड ऊपरकोट। ऊपरकोट जो है एक ऊंचा सिटाडेल है, तकरीबन 30 से 50 फीट ऊंचा है वो। नाउ मंडपेश्वर केव लोकेटेड इन बोरीवली नियर मुंबई एंड ऑल्सो नोन एज माउंट पेरीर केव। ये पहले गुप्त पीरियड में एज अ ब्राह्मणिकल केव डेवलप हुआ था, लेकिन बाद में इस केव को कन्वर्ट किया गया एज अ क्रिश्चियन केव। तो पहले इसका नाम मंडपेश्वर था, बाद में माउंट पेरीर कर दिया गया। द रिमेन्स ऑफ साइट इंक्लूड स्कल्पचर्स ऑफ नटराज, सदाशिव एंड अर्धनारीश्वर। द चर्च एंड इट्स ग्रेवियर्ड आर सिचुएटेड अबव केव। उदयगिरी केव्स, तो ये लास्ट केव है, तो इसके बारे में जान लेते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उदयगिरी केव्स नॉट टू बी कंफ्यूज विथ उदयगिरी खंडगिरी केव। उदयगिरी और खंडगिरी ओडिशा में, लेकिन ये उदयगिरी जो है वो विदिशा मध्य प्रदेश में है।
फिफ्थ सेंचुरी एडी में ये बना था, चंद्रगुप्त टू जो था उन्होंने इसको प्रमोट किया है, और ये न्यूमरस स्कल्पचर्स जो है इसमें आपको मिल जाएंगे ऑन द हिल वॉल्स, द स्कल्पचर ऑफ वराह और बोर, ये यूपीएससी ने पूछ लिया है, इंपॉर्टेंट यूपीएससी ने पूछ लिया है, द स्कल्पचर चंद्रगुप्त टू ने बनाया था, द स्कल्पचर ऑफ वराह और बोर इनकार्नेशन ऑफ विष्णु इज नोटेबल, द केव्स हैव वन ऑफ द अर्लिएस्ट हिंदू स्कल्पचर्स। यूपीएससी ने कैसे पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था कि नीचे जो स्कल्पचर्स दिए गए हैं, निम्नलिखित स्कल्पचर्स उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, और उसमें एक वराह और बोर भी था। इट ऑल्सो हैज केव्स डेडिकेटेड टू शिवा, नरसिम्हा, नारायणा एंड स्कंद। तो अब हम स्तूपों के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानने से पहले 5 मिनट का ब्रेक।
ओके स्तूपास स्तूपास Gupta age saw decline in the development of stupas. However, Dhamic stupa at Sarnath near Varanasi is a fine example of stupa built during the Gupta age. तो स्तूप जो थे वो गुप्ता टाइम के वक्त बनना कम हो गए, सिर्फ एक धामिक स्तूप बना सारनाथ के बगल में। स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें, गुप्त पीरियड का जो स्कल्पचर था वो न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड अराउंड सारनाथ, और इसमें क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था, मेटल का काफी मात्रा में इसमें इस्तेमाल होता था। द स्कल्पचर ऑफ दिस स्कूल वर इमिक्यूटली ड्रेस्ड, नेकेडनेस नहीं था। हियर यू कैन सी, देखो किस तरीके से कपड़ा पहनाया हुआ है पूरी तरीके से। और जो हेलो था बुद्ध के अराउंड वो काफी डेकोरेटेड था। सुल्तान गज बुद्ध जो है बिहार में, कॉपर स्कल्पचर 7.5 फीट हाई है, वो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका फोटो भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि मेन है वो देखते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर आज पूरा नहीं होगा, जितना हो सके उतना हम करेंगे, प्रॉमिस, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर विद द डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर सेंक्टम एंड पिलर्ड पोर्टिको इमर्ज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, देयर वाज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम फ्लैट रूफ्ड मोनोलिथिक टेम्पल्स इन द इनिशियल स्टेजेस टू स्कल्पचर्ड शिखरा इन द लेटर ईयर्स। तो पहले ये फ्लैट रूफ्ड, ठीक है, यहाँ पर डोम नहीं दिखाई दे रहा आपको, कोई शिखर नहीं दिखाई दे रहा, फ्लैट रूफ में पहले जो थे वो टेम्पल्स बनते थे। द टेम्पल का जो निर्माण है वो 5 स्टेजेस में हुआ, उसका फर्स्ट स्टेज टेम्पल फ्लैट रूफ ये आप देख सकते हो, स्क्वायर शेप का था, दैट ऑल्सो यू कैन सी हियर। पोर्टिको वॉज डेवलप्ड ऑन शेलो पिलर्स, तो बहुत ही शेलो पिलर्स थे जिनके ऊपर पोर्टिको का निर्माण हुआ था। द एंटायर स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट ऑन लो प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म का हाइट ज्यादा नहीं है, 1-2 फिट का होगा, ठीक है, लो प्लेटफॉर्म। सेकेंड स्टेज में जो बने टेम्पल्स वो अर्लियर जो फीचर से उसको कंटिन्यू रखा गया, लेकिन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हायर अप्रेज्ड हो गया। कभी कभी 2 माल का 2-स्टोरीड 2 फ्लोर का टेम्पल भी आपको मिल जाएगा। एक और एडिशन था कि एम्बुलेटरी पैसेज वे प्रदक्षिणा पथ जो था वो कवर्ड हो गया, ठीक है, जो गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ होता है उसके ऊपर रूफ आ गया, और द पैसेज वे वॉज यूज एज प्रदक्षिणा पथ। एग्जाम्पल दिया है पार्वती टेम्पल का, नचन कुथरा मध्य प्रदेश में है ये। थर्ड स्टेज आपके सामने पिक्चर अवेलेबल है जिससे आपको समझने में आसानी होगी गाइस। और यहां पर शिखर जो है उसका इमर्जेंस आपको दिख रहा है, दिस स्टेज शो द इमर्जेंस ऑफ शिखर। देखो यहां पर छोटा सा हल्का सा शिखर का इमर्जेंस, हाउएवर दे वर स्टिल क्वाइट लो एंड ऑलमोस्ट स्क्वायर, तो अभी कर्वी लीनियर नहीं थे, ऑलमोस्ट स्क्वायर थे, कव आपको यहां पर ज्यादा नहीं दिखाई देगा और लो थे। पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि यहाँ पर एक मेन डेटी का टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर शिखर था, और छोटे छोटे टेम्पल्स जो थे, ये एक है दूसरा यहाँ पर है, यानी मेन डेटी का जो टेम्पल होता है वो मध्य में होता है और बाकी के अदर डेटीज है प्रिंसिपल डेटीज के ऊपर, टेम्पल के ऊपर शिखर आपको मिल जाएगा उनके गर्भगृह के ऊपर, और बाकी अदर डेटीज जो है वो उनके अगल बगल में चारों तरफ। क्रूसीफाइड फॉर्म ऑफ ग्राउंड प्लान, देखो जैसे कि क्रॉस बन रहा हो ना ऐसे,
पांच टेम्पल पंचायतन इसी को कहते हैं। पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग देर वर फोर सब्सिडियरी श्राइन्स। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 फोर सब्सिडियरी श्राइन्स अलोंग विद टेम्पल ऑफ द प्रिंसिपल डेटी। ये प्रिंसिपल डेटी का टेम्पल है। द मेन टेम्पल वॉज स्क्वायर विथ एन इलोगनेटेड मंडप इन फ्रंट ऑफ इट। मंडप माने असेंबली हॉल, जहां पर हम लोग राम धुन गाते हैं ना, वो मंडप है। गिविंग इट अ रेक्टेंगुलर शेप द सब्सिडियरी श्राइन्स वेर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द मंडप। तो ये अपोजिट है, अपोजिट आपको 4 के सामने 2 अपोजिट, 1 के सामने 3 अपोजिट है, आप देख सकते हो। द सब्सिडियरी श्राइन वेर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन साइड ऑफ द मंडप गिविंग द ग्राउंड प्लान अ क्रूसीफाइड शेप। तो क्रॉस के जैसा शेप है, क्रूसीफाइड है। दशावतार टेम्पल देवघर उत्तर प्रदेश में है। दुर्गा टेम्पल ऐहोल कर्नाटका में है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। फिर फोर्थ स्टेज टेम्पल मेकिंग आता है। द टेम्पल ऑफ दिस स्टेज वेर ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट दैट द मेन श्राइन बिकम मोर रेक्टेंगुलर। तो मेन श्राइन जो था वो रेक्टेंगुलर बना। तेर टेम्पल महाराष्ट्र में। एग्जाम्पल फिफ्थ स्टेज में सर्कुलर टेम्पल्स विथ शेलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड। रेस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रीवियस फेज कंटिन्यूड। मनियार मठ राजगिरी में जो बना है वो इसका एग्जाम्पल है। अब टेम्पल स्टाइल जो पांच स्टेज में डेवलप हुआ, लेकिन बहुत सारे स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुए। नगरा, द्रविड़ा, नायक, वैसरा, होशाला, विजयनगर और पाला। नगर और द्रविड का जो डिफरेंस है वो बार बार पूछते ही यूपीएससी वाले उनको पसंद है, ठीक है। ये सब जानने से पहले टेम्पल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल एलिमेंट होते हैं दैट वी मस्ट नो। सो लेट अस नो अबाउट द वेरियस आर्किटेक्चरल एलिमेंट इन टेम्पल आर्किटेक्चर। चलो देखते हैं।
तो हिंदू टेम्पल का जो बेसिक फॉर्म है उनमें ये एलिमेंट होता है सेंक्टम सेंट्रोम, जिसको गर्भगृह कहते हैं। वो होता है वॉर्म हाउस, एक छोटा सा कमरा होता है ये, स्मॉल रूम जनरली क्यूबिकल, जिसमें प्रिंसिपल डेटी को रखा जाता है। मंडप, एंट्रेंस टू द टेम्पल होता है, इट मे बी अ पोर्टिको और होल एंड इज जनरली डिजाइन टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर, जहाँ पर मैंने बता चुका हूँ हम लोग मिलकर रामधुन गाते हैं या फिर कोई भी भजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वो मंडप में करते हैं, गर्भगृह में नहीं होता। शिखर माउंटेन लाइक स्पायर होता है, जो कि आप जानते हो नॉर्मली जो टेम्पल का शिखर होता है वो इस तरह का होता है, ये शिखर है जो माउंटेन लाइक होता है। द शेप वेराइज फ्रॉम पिरामिडियल और टू कर्वीलिनियर। वाहन होता है, इट इज द माउंट और व्हीकल ऑफ द मेन डेटी एंड इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द गर्भगृह और सेंक्टम सेंट्रम। हाउएवर अंडर द पेट्रोनेज ऑफ लोकल रूलर्स डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करते हैं पहले। फ्रॉम 5th सेंचुरी AD ऑनवर्ड्स द डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पहले ये जान लो कि ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेवलप हुआ, 5th सेंचुरी AD की बात है। नोन एज द नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर, इवन इन द नगरा स्कूल डिफरेंट सब स्कूल्स इमर्ज इन द वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट जो है सब स्कूल्स, नगरा स्कूल का डेवलप हुआ। मेनली तीन सब स्कूल है, ओडिशा है सब स्कूल, एक एक खजुराहो है और एक सोलंकी शैली है, ठीक है, सोलंकी स्टाइल ऑफ द स्कूल है। तो तीन, ओडिशा, खजुराहो और सोलंकी, ये नगरा स्कूल का ही सब स्कूल्स है। द टेम्पल जनरली फॉलोड पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। तो पांच मेनली जो है कुल पांच गॉड को इसमें, गॉड या गॉडेस को समाया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। एक प्रिंसिपल श्राइन होता है और उसके बीच आजू बाजू अगल बगल क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान के हिसाब से चार और श्राइन होते हैं। प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल्स और मंडप इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल श्राइन आपको मिल जाएगा, मंडप सिर्फ प्रिंसिपल श्राइन के सामने होगा। आउटसाइड द गर्भगृह इमेजेस ऑफ रिवर गोडेस गंगा एंड यमुना आपको देखने को मिल जाएगा। द वर्टिकल एंड ऑफ शिखरा एंडेड इन हॉरिजॉन्टल फ्लूएटेड डिस्क नॉन एज द आमलक। तो शिखरा के ऊपर एक आमलक मिलेगा आपको, ऑन टॉप ऑफ दैट स्फेरिकल शेप वॉज प्लेस नॉन एज कलश। तो ये पूरा का पूरा जो है स्टाइल आपको मिलेगा, ये शिखर है, ये आमलक है, ये कलश है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर K फॉर कलश, A फॉर आमलक, S फॉर शिखर मिल जाएगा। इनसाइड टेम्पल द वॉल वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री वर्टिकल प्लेन्स और रथा, दिस वर नोन एज थ्री रथा टेम्पल, लेटर पंचरथा, सप्तरथा एंड इवन नवरथा टेम्पल्स केम इन टू एग्जिस्टेंस। द वर्टिकल प्लेन्स वर यूज एज ए डिफरेंट पैनल्स टू मेक नेरेटिव स्कल्पचर्स। द एम्बुलेटरी पैसेज वे और प्रदक्षिणा पथ अराउंड द सेंट्रम सेंकोट्रम वॉज कवर्ड। जनरली द टेम्पल प्रीमाइसिस डिड नॉट हैव एनी इलाबरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। तो यहाँ पर शिखर है, पिलर्ड अप्रोच है, सेंट्रम सेंट्रम है, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म और एम्बुलेटरी पैसेज वे आपको देखने को मिल जाएगा। ये त्रिरथा, पंचरथा, सप्तरथा, बाउंड्री वॉल नगरा शैली में नहीं होता है, नगरा स्टाइल का ही सब स्कूल है ओडिशा स्कूल। तो मैं बता चुका हूँ, देखो ये जो है एक तरह से आमलक आपको ये शेप में देखने को मिल जाएगा, कलश इसके ऊपर है ये वाला, ठीक है, और शिखरा तो आप ये देख ही रहे हो।
चलिए ओडिशा स्कूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कलिंग एम्पायर के डिफरेंट पार्ट में ये बना। डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड सम ऑफ इट्स फीचर्स आर द एक्सटीरियर वॉल्स वर लेविशली डेकोरेटेड। बाहर की दीवारें बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटेड थी, कार्विंग थे उनके ऊपर। इंटीरियर वॉल जो थी अंदर की वो प्लेन थी। देर वॉज नो यूज ऑफ पिलर इन द पोर्च। आयरन ग्रिडर्स वर यूज इंस्टेड टू सपोर्ट द रिफ रूफ। द शिखरा इन ओडिशा स्कूल वॉज नोन एज रेखा देउल। तो इसको रेखा देउल कहते हैं शिखरा को। देर ऑलमोस्ट वर्टिकली वर्टिकल रूप्स विच सडनली कर्व्ड इनवर्ड शार्पली। ठीक है, ये देखो वर्टिकल रूप है ऑलमोस्ट, लेकिन सडनली जो है शार्पली कर्व्ड होते हैं। द मंडप वॉज नोन एज जगमोहन इन दिस रीजियन। मंडप को उस रीजियन में जगमोहन कहते थे। द ग्राउंड प्लान ऑफ द मेन टेम्पल वॉज स्क्वायर। टेम्पल्स वेर सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल एज इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। खजुराहो स्कूल जो है ये नगरा का दूसरा सब स्कूल है इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। चंदेला रूलर्स बिल्ट इट, सो डेफिनेटली इट वॉज ऑल्सो नोन एज चंदेला स्कूल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। The features of the temples included these temples, both the interior and exterior walls were lavishly decorated. अंदर की और बाहर की दोनों दीवारों पर carving थे, decorated थी। The sculptures were generally erotic in their themes and drew inspiration from Vatsyayana's Kama Sutra. The temples were made of sandstone. The temples had three chambers, Garbhagriha, Mandap and Ardhamandap. Some temples have a vestibular entrance to the Garbhagriha known as Antrala. The temples were generally north or east facing. पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग वॉज फॉलोड। द सब्सिडियरी श्राइन हैड रेखा प्रसाद शिखरा क्रिएटिंग एन इंप्रेशन ऑफ माउंटेन रेंज। द टेम्पल वर बिल्ट ऑन रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म एंड बिलोंग टू हिंदू एज वेल एज जैन रिलीजन। खंडारिया महादेव टेम्पल लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो आर एग्जाम्पल। सोलंकी स्कूल जो कि तीसरा स्कूल है उसकी बात करते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग गुजरात राजस्थान दिस स्कूल डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सोलंकी रूलर्स। और इसके फीचर की बात करते हैं। टेम्पल वॉल का कोई ऊपर उसके ऊपर कोई कार्विंग नहीं था। गर्भगृह वॉज कनेक्टेड विद मंडप बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। द पोर्टिको हैड डेकोरेटिव एंड आर्च्ड गेटवे नोन एज तोरंस। अ यूनिक फीचर ऑफ दिस स्कूल इज द प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक जिसको वाव कहते थे या सूर्य कुंड कहते थे। टेम्पल के बगल में ही होता था। और द स्टेप ऑफ द टैंक आर फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स विद वुडन कार्विंग प्रेजेंट इन देम। तो मंदिर में एक सूर्य कुंड एक टैंक था, उसके हर सीढ़ी के ऊपर छोटे छोटे मंदिर होते थे जिनके ऊपर जो है लकड़ी का कार्विंग होता था। द सोलंकी यूज्ड वैरायटी ऑफ मटेरियल टू मेक टेम्पल्स इंक्लूडिंग सैंडस्टोन ब्लैक बेसाल्ट सॉफ्ट मार्बल। मोस्ट ऑफ द टेम्पल आर ईस्ट फेसिंग एंड डिजाइन सच दैट एवरी ईयर ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सिस द सन रेज फॉल डायरेक्टली इन टू द सेंट्रल श्राइन। एग्जाम्पल मोढ़ेरासन टेम्पल गुजरात में 126-127 के दौरान भीमा वन ने बनाया था, भीमा सोलंकी ने बनाया था। अब साउथ साउथ इंडिया के टेंपल आर्किटेक्चर की छोटी सी बात कर लेते हैं। जस्ट एज द नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर विद डिफरेंट सब स्कूल इमर्ज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इमर्ज इन पेनिनसुलर इंडिया एज वेल। टेंपल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया बिगन अंडर द पल्लवा रूलर्स महेंद्र वर्मन। द टेम्पल्स डेवलप ड्यूरिंग द पल्लवा डायनेस्टी रिफ्लेक्टेड द स्टाइलिस्टिक टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रूलर्स एंड कैन बी क्लासिफाइड इन टू फोर स्टेज क्रोनोलॉजिकली। महेंद्र ग्रुप की बात करते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर। द टेम्पल बिल्ट अंडर महेंद्र वर्मन वर बेसिकली रॉक कट टेम्पल। अंडर हिम द टेम्पल वर नोन एज मंडपास लाइक द नगरा स्टाइल इन विच द मंडपास बिल्ट ओनली द असेंबली हॉल। दूसरा था नरसिम्हा ग्रुप। दिस रिप्रेजेंटेड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। रॉक कट टेम्पल्स वर डेकोरेटेड, अभी भी रॉक कट टेम्पल चल रहा है, डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट स्कल्पचर्स अंडर नरसिम्हा वर्मन। द मंडप वर्स नाउ डिवाइडेड इनटू सेपरेट रथास। द बिगेस्ट वन वॉज कॉल्ड धर्मराजा रथ, युधिष्ठिर रथ भी कहते हैं, वाइल द स्मॉलेस्ट वन वॉज कॉल्ड द्रौपदी रथ। द डिजाइन ऑफ टेम्पल इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज सक्सेसर ऑफ द धर्मराजा रथ। और राजसिम्हा ग्रुप की बात करें, राजसिम्हा लेट द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अंडर हिम द डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल, माने के रॉक कट टेम्पल बंद हो गया
और रियल स्ट्रक्चर टेम्पल आ गया, अशोक टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाश नाथ टेम्पल एट कांचीपुरम एटसेट्रा आर एग्जाम्पल। लास्ट में नंदी वर्मन ग्रुप की बात होती है, तो लेट अस सी द नंदी वर्मन ग्रुप टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल एज वेल। दिस वॉज द फोर्थ स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट ड्यूरिंग पल्लवा पीरियड। द टेम्पल बिल्ट वर स्मॉलर इन साइज, द फीचर वेर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी टेम्पल आर्किटेक्चर एक्वायर्ड ए न्यू स्टाइल अंडर द चोला किंगडम नोन एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दिस मार्क्ड न्यू एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। इन द लेटर पीरियड थ्री अदर स्टाइल, वैसरा स्टाइल, नायक स्टाइल एंड विजयनगर स्टाइल ऑल्सो इमर्ज इन दिस रीजियन। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का जो चोला आर्किटेक्चर का जो स्पेसिफिक थिंग्स है उसको मैं बताने वाला हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स द हंड्रेड ऑफ टेम्पल्स वेर बिल्ट इन साउथ इंडिया। इट वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस पल्लव आर्किटेक्चर विद सम वेरिएशन। दिस इज वॉट केम टू बी नोन एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अनलाइक द नगरा टेम्पल द द्रविडियन टेम्पल्स वर सराउंडेड बाई हाई बाउंड्री वॉल। तो द्रविडियन स्टाइल में हाई बाउंड्री वॉल थी, नगरा में नहीं थी। फ्रंट वॉल जो था उसके सामने एक हाई एंट्रेंस गेटवे रहता था जिसको गोपुरम कहते थे। गोपुरम जो है नगरा स्टाइल में नहीं होता, द्रविडियन स्टाइल में होता है। द टेम्पल प्रीमाइसिस वॉज लेड आउट इन पंचायतन स्टाइल, दोनों में ये सेम है नगरा हो या द्रविड़ हो। विद प्रिंसिपल टेम्पल एंड फोर सब्सिडियरी श्राइन अंडर द्रविडियन स्टाइल। द स्पायर इज इन फॉर्म ऑफ स्टेप्ड पिरामिड दैट राइजेस लीनियरली रादर देन काउर, इट इज नोन एज विमाना। वहाँ पर शिखर है नगरा स्टाइल में, यहाँ पर विमान है द्रविडियन स्टाइल में, ये याद रखना। द क्राउनिंग एलिमेंट इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टागोन एंड इज नोन एज शिखरा। इट इज सिमिलर टू कलश ऑफ द नगरा टेम्पल बट नॉट स्फेरिकल। देर इज ओनली वन विमान इन द द्रविडियन आर्किटेक्चर। सिर्फ प्रिंसिपल डेटी के जो श्राइन है उसके ऊपर ही विमान होता है, मेन टेम्पल के ऊपर। सब्सिडियरी श्राइन डू नॉट हैव विमान अनलाइक नगरा आर्किटेक्चर। नगरा आर्किटेक्चर में सब्सिडियरी श्राइन के ऊपर भी शिखर हो सकता है। द असेंबली हॉल वॉज कनेक्टेड विथ गर्भगृह बाई वेस्टिबुलर टनल नोन एज अंतराल। यहाँ पर भी अंतराल है। द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह हैड स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपाल मिथुन एंड यक्ष। वहाँ पर गंगा और यमुना देवी की मूर्तियाँ थी नगरा स्टाइल। यहाँ पर द्वारपाल है, मिथुन है, यक्ष है। A presence of water tank inside the temple enclosure was a unique feature of Dravidian style. Nagar style में water tank नहीं होता inside the temple premise, यहाँ पर होता है। Example बृहदेश्वर temple at Thanjavur, राज राजा वन ने 1011 में बनाया। गंगाईकोंड चोलापुरम temple राजेंद्र वन ने बनाया क्योंकि वो गंगेटिक डेल्टा में विजय पाने वाला पहला चोला रूलर था, तो इसका नाम भी गंगाईकोंड चोलापुरम रख दिया। Here you can see the example, assembly hall है जिसको हम मंडप कहते हैं। ये गर्भगृह है छोटा सा, ये अंतराल है, ठीक है। ये सब्सिडियरी श्राइन है 1 2 3 4, ये वाटर टैंक है और ये गोपुरम है। यहाँ पर पूरा बाउंड्री वॉल, ठीक है, और ये गोपुरम है गाइस, ओके। चलो चोला स्कल्पचर की बात कर लेते हैं, अगर बात छिड़ी गई तो साथ में थोड़ा सा चोला स्कल्पचर के बारे में जानना जरूरी है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द चोला टेम्पल वॉज द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन द डेकोरेशन थ्रू स्कल्पचर। एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ चोला स्कल्पचर वॉज द स्कल्पचर ऑफ नटराज इन तांडव डांस पोस्चर। तो नटराज था तांडव डांस पोस्चर में। दो द अर्लिएस्ट नोन नटराज स्कल्पचर विच हैव बीन एक्सकवेटेड एट रावण फाड़ी केव एट आईहोल वॉज मेड ड्यूरिंग द अर्लियर चालुक्य रूल। द स्कल्पचर रिच डिट स्पीक अंडर चोला द अपर राइट हैंड होल्ड्स ड्रम। अपर चार हाथ है, ऊपर का राइट हैंड ड्रम है जो क्रिएशन के साउंड को सिग्निफाई करता है। ऑल क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम द ग्रेट साउंड ऑफ डमरू। द अपर लेफ्ट हैंड होल्ड द इटर्नल फायर विच रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन इज द प्रीकर्सर एंड इनविटेबल काउंटर पार्ट ऑफ क्रिएशन। द लोअर राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा में है, सिग्निफाइंग बेनिडिक्शन एंड रियजोरिंग द डिवोटीज नॉट टू बी अफ्रेड। भक्तों को कह रहा है कि डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा मेरे इस फायर से। द लोअर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड द अप्रेस्ड फुट एंड इंडिकेट्स द पाथ ऑफ सल्वेशन। तो जो लोअर लेफ्ट हैंड है वो जो ऊपर किया गया पांव है उसकी तरफ जो है वो दिशा निर्देश करता हुआ दिखा रहा है कि पाथ ऑफ साल्वेशन, मोक्ष का पाथ ऊपर की ओर है। शिवा इज डांसिंग ऑन द फिगर ऑफ स्मॉल ड्वार्फ, छोटे से ड्वार्फ वामन के ऊपर जो है शिवा डांस कर रहे हैं, जो दर्शा रहा है कि इग्नोरेंस और ईगो को मैंने दबा दिया है। द मेटेड एंड फ्लोइंग लोक्स ऑफ शिवा रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ रिवर गंगा। तो उनके जो बाल है, जो घुंघराले बाल, वो गंगा नदी के फ्लो को दर्शा रहे। और चारों तरफ दिए की हार मालाएं जो है वो टाइम के चक्र को दर्शा रहा है, ठीक है, ये देखना। नटराज इज सराउंडेड बाय निम्बूज ऑफ ग्लोइंग लाइट्स विच सिंबलाइजेस
द वास्ट अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम. इन ऑर्नामेंटेशन वन ईयर ऑफ शिवा हैज मेल इयरिंग वाइल द अदर हैज फीमेल. तो एक कान में फीमेल का इयरिंग, एक कान में मेल का इयरिंग, ये फ्यूजन दिखा रहा है, अर्धनारीश्वर दिखा रहा है. उनके हाथ पर जो स्नेक है, स्नेक इज ट्विस्टेड अराउंड द आर्म ऑफ शिवा. द स्नेक सिंबलाइजेस द कुंडलिनी पावर, कुंडलिनी की शक्ति दिखा रहा है, विच रिसाइड्स इन द ह्यूमन स्पाइन इन अ डोरमेंट स्टेज. तो हमारा जो स्पाइन होता है, बैकबोन होता है, उसमें डोरमेंट स्टेज में कुंडलिनी की पावर रहता है, उसको दिखा रहा है ये स्नेक. इफ अराउज वन कैन अटेन ट्रू कॉन्शियसनेस. नायक शैली, नायक शैली को हम देखने वाले हैं. पहले मैं बता दूं, अब हम नायक शैली को देखेंगे, वस्त्र शैली को देखेंगे, विजयनगर शैली को देखेंगे, होयसल आर्ट को देखेंगे और पाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को देखेंगे. ये सब नेक्स्ट लेक्चर में होगा. आज के लिए बस इतना ही. अनअकैडमी अंडरस्कोर अमित कटारिया इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी हियर, सो प्लीज फॉलो एंड गेट एनलाइटन्ड. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. गुड नाइट. शुभरात्रि. शब्बा खैर. अपना और अपने परिवार के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा.